गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोर्डेट्स का टॉपिक एफिनिटीज ऑफ यूरोकोर्डेट्स। यूरोकोर्डेट्स की सजातीयता या संबंधताएँ, दूसरे जो भी एनिमल्स हैं, दूसरे प्रोटोकोर्डेट्स हैं या कोर्डेट्स हैं, उनके साथ यूरोकोर्डेट्स की क्या समानताएँ हैं, क्या संबंधताएँ हैं, क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसको अपन देखते हैं आज। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो जो टिपिकल ट्यूनिकेट्स होते हैं वो नॉन कोडेट एनिमल के जैसे दिखाई देते हैं, जैसा कि अपन सब जानते हैं कि एडल्ट जो ट्यूनिकेट होता है वो नॉन कोडेट एनिमल के जैसा ही दिखाई देता है, उसके लक्षण नॉन कोडेट एनिमल जैसे ही होते हैं। लेकिन जब उसकी लाइफ हिस्ट्री को अपन स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि इसको कोर्डेट में क्यों रखा गया है, कोर्डेटा फाइलम में क्यों रखा गया है ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स एनिमल को। तो उसमें जो कोर्डेट करेक्टर होते हैं एनिमल के, वो सिर्फ लार्वल जो स्टेज है उसी में, लाइफ साइकिल की स्टेज में अपन को दिखाई देते हैं कोर्डेट करेक्टर्स। इसलिए 1816 में लेमार्क और क्यूवियर ने इन एनिमल्स को ट्यूनिकेटा के अंदर, क्लास ट्यूनिकेटा में रखा था। एलिस ने कंपाउंड एसिडियन बोट्रिलस को 1756 में डिस्क्राइब किया था। कोविलुस्की ने इन पे डेवलपमेंट में काम किया और एसिडियन के रूप में इनको रखा और ट्यूनिकेट्स को कोर्डेटा फाइलम के अंदर कंसीडर किया, क्योंकि इनकी लाइफ हिस्ट्री, इनके डेवलपमेंट को कोविलुस्की के द्वारा जब स्टडी किया गया तो कोडेट फीचर्स को नोटिस किया गया। अब अपन देखते हैं यूरोकोडेट्स की रिजम्बलेंस विद कोडेट, कि कोडेट्स के साथ ये किस तरह से रिजम्बल करता है, उसके जैसा समरूपता दर्शाता है, क्या चीज़ें हैं जो कॉमन हैं कोडेट और यूरोकोडेट्स में, जो कोडेट करेक्टर हैं, कौन से कोडेट करेक्टर हैं जो यूरोकोडेट्स में पाए जाते हैं। तो वो हैं कि प्रेजेंस ऑफ डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, वेल डेवलप्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स और वेंट्रल साइड पे एंडोस्टाइल की प्रेजेंस, वेंट्रल साइड पे फेरिंग्स की वेंट्रल साइड पे एंडोस्टाइल का प्रेजेंट होना और एट्रियम की प्रेजेंस फेरिंग्स के चारों तरफ और पोस्ट एनल टेल का पाया जाना, जिसमें कि टेल फिन का भी पाया जाना। बिकॉज ऑफ दीज कोडेड फीचर्स, ट्यूनिकेट्स आर इंक्लूडेड इन कोडेड ग्रुप में, इन फीचर्स की वजह से ही इसको इंक्लूड किया जाता है। ये कोडेड करेक्टर जो यूरोकोडेट हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री की लार्वल फॉर्म में पाए जाते हैं, एडल्ट में नहीं पाए जाते हैं। अब अपन यूरोकोडेट्स की रिजेम्बलेंस देखते हैं सिफेलोकोडेट्स के साथ। सिफेलोकोडेट एनिमल एम्फियोक्सिस, जिसे कि ब्रेंकियोस्टोमा उसका एक्सेप्टेड साइंटिफिक नेम है और एम्फियोक्सिस भी उसे कह दिया जाता है जीनस को, तो इनमें क्या समानता है, क्योंकि ये भी एक प्रोटोकोडेट फाइलम है। सिफेलोकोडेटा सब फाइलम है, इसमें और यूरोकोडेटा जो भी एक प्रोटोकोडेट सब फाइलम है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, ये इस फाइल सब फाइलम के साथ किस तरह से संबंधता दर्शाता है। तो इसमें इन दोनों में ही जो नोटोकोड है वो पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल नर्व कोड पाया जाता है, लार्ज फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, एट्रियम और एट्रियोपोर दोनों में प्रेजेंट होता है और मसल बैंड दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये वो करैक्टर हैं जो दोनों सिफेलोकोडेट्स और यूरोकोडेट्स दोनों में पाए जाते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि जो यूरोकोडेट्स हैं वो रिलेशनशिप सिफेलोकोडेट्स के साथ क्लोज रिलेशनशिप दर्शाते हैं। ये भी वही कोडेट एनिमल हैं जो कि सिफेलोकोडेट जैसे प्रोटोकोडेट सब फाइलम के आसपास ही इवोल्व हुए हैं। तो ये इंटर रिलेशनशिप भी दर्शाते हैं कि ये इनके साथ क्लोज रिलेटेड हैं, इनका इवोल्यूशन इसके साथ साथ ही हुआ है, क्योंकि इनमें भी वही करैक्टर, कुछ बहुत सारे करैक्टर सेम पाए जाते हैं, कोडेट करैक्टर दोनों में सेम पाए जाते हैं। अब यूरोकोडेट्स जो अदर कोडेट्स हैं डिफरेंट हैं, क्या क्या डिफरेंसेस इनमें हैं
वो अपन देखते हैं। तो मेन जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस की अगर अपन बात करें, सबसे पहला और जो कि यूरोकोडेट का पिक्यूलियर करैक्टर है, एक स्पेसिफिक करैक्टर है जो कि यूरोकोडेट में ही पाया जाता है, यूरोकोडेट एनिमल्स में ही पाया जाता है, वो है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, ये वो कायांतरण होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें जो लार्वा है, लार्वा से जब एडल्ट बनता है तो एडल्ट जो लार्वा होता है वो मोर एडवांस करैक्टर वाला होता है, इसके जो करैक्टर्स होते हैं वो मोर एडवांस टाइप के होते हैं, जबकि जो एडल्ट होता है वो लार्वा से प्रीमिटिव फॉर्म उसकी होती है। ये एडल्ट होता है उसमें प्रीमिटिव करैक्टर्स पाए जाते हैं और लार्वा में एडवांस करैक्टर पाए जाते हैं। तो जो लार्वा, ये नहीं लगता कि जो एडल्ट है वो इस एडवांस लार्वा से बना है, इसलिए एडल्ट ये माना जाता है कि एडल्ट से लार्वा बन गया है। तो जो इस तरह का कायांतरण होता है जिसमें एडवांस करैक्टर विलुप्त हो जाते हैं और जो प्रिमिटिव करैक्टर हैं वो एडल्ट के द्वारा शो किया जाता है, उसे रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जो बाकी कोडेट्स में नहीं पाया जाता है। और एक सेगमेंटेशन की एब्सेंस, तो सेगमेंटेशन भी यूरोकोडेट्स में नहीं पाया जाता है, जो कि मेटामेरिकली सेगमेंटेशन जो है ये कोडेट्स की विशेषता होती है। तो इन करैक्टर्स की वजह से जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन एनिमल्स को सेपरेट सबफाइलम यूरोकोडेटा में शामिल किया है। और रिसेंट ईयर्स में मोस्टली जूलॉजिस्ट ट्यूनिकेट्स को प्रीमिटिव और अनसेस्ट्रल फॉर्म मानते हैं पूरे कोडेटा फाइलम की, जो कोडेट्स हैं उनका प्रीमिटिव और अनसेस्ट्रल फॉर्म मानी जाती है यूरोकोडेट्स एनिमल को। अब अगर अपन कंक्लूजन अगर निकालें यूरोकोडेट्स की रिलेशनशिप को लेके, एफिनिटीज़ को लेकर के, तो जो यूरोकोडेट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं, समुद्री जीव जंतु होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम पे, आधार पे जुड़े हुए पाए जाते हैं। मोस्ट फेमिलियर मेंबर की अगर अपन बात करें तो वो हर्डमानिया होता है, जो कि दो साइफन इनमें होते हैं एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर के लिए। और इसकी जो विशेषताएँ हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो लार्वल स्टेज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के द्वारा एडल्ट एनिमल को जन्म देती है। और यूरोकोडेट्स जो बेसिक करेक्टर्स हैं कोडेटा के, वे लाइफ की स्टेज में सिर्फ लार्वल स्टेज में शो करती है। और इसलिए ये माना जाता है कि जो यूरोकोडेट्स हैं वो शिफेलोकोडेट्स से नीचे स्तर पे पाए जाते हैं, लेकिन हेमिकोडेटा के हायर लेवल पे ये पाए जाते हैं। ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ से अगर अपन देखें तो ये हेमिकोडेटा, जो आजकल जिसे अपन कोडेटा फाइलम का सब फाइलम ही नहीं माना जाता है, एक अलग से नॉन कोडेट फाइलम के रूप में उसको कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन उसमें जो प्रीमिटिव कोडेट करैक्टर उसमें प्रेजेंस शो की गई थी, शुरू में माना गया था कोडेट करैक्टर, तो उस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इनकी जो स्टेटस है यूरोकोडेट्स का, वो हेमिकोडेट्स और सिफिलोकोडेट्स के बीच में आता है। तो हेमिकोडेट्स से तो ये हायर कैटेगरी के होते हैं और सिफिलोकोडेट्स हैं लोअर कैटेगरी के होते हैं, इन दोनों के बीच में इनका स्टेटस होता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह से आज का अपना ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है।